ओर्यम नमो अध्यायारम नमो लोहे सवसाहुरम शुद्धात्मान मने कांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धार्थम संदष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे झाया झाण कहे कम कलंक दहे निक्षण रंजनानमय परम पनवे नमः समय साराय स्वानुहूत्या चकाशके चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे विगलंत कर्म विस्तर फलानमं भुक्तिमन्तरेणेव संचीतयेहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम् जैसे गमन करने में पहले मन चलना चाहिए, विवेक ज्ञान आंखें चलना चाहिए, उसके बाद पैर चलो। कहाँ, किस लिए? अभी कोई आए होकर उठो चलो। कहाँ, किसके लिए? जो निष्प्रयोजन गमन करता है, माने इधर उधर फिरता है, उसको लोक में भी आवारा कहते हैं। प्रयोजन पर लक्ष्य रख करके 10 बार भी जावे कोई बाजार, आवारा नहीं है। लेकिन 2-4 बार अपने इधर से उधर निकल गया, फिर गया, क्यों, कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं। अरे वो तो आवारा फिरता है, गैर जिम्मेदार, लापरवाह, ऐसे शब्द हैं। होश नहीं है कुछ। गमन में भी पहले ज्ञान, संस्कृत व्याकरण पढ़े होंगे, गमनार्थक धातुएं ज्ञानार्थक भी होती। सम आए, समय आए, गमनार्थक है और ज्ञानार्थक है, परिणमन करे और ज्ञाने। जैन शास्त्र ही नहीं, अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन करने पर भी हमने स्वाध्याय शब्द नहीं प्रयोग किया। जैन शास्त्र अथवा अध्यात्म शास्त्रों का भी अध्ययन करने पर सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, उसका कारण पंडित टोटरमल जी ने क्या कहा, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है। अभी डॉक्टर साहब जरा पॉइंट दबा रहे थे, हमें विचार आया, एक शब्द तो ये बोले, देखो इलाज करने से पहले प्रणाम और इलाज करने के बाद में प्रणाम। अरे रे प्रभु, निका यही अगर हो जाए, यही सीख जाए तो सारी व्यवस्थाएं बन जाए, हमें क्या मतलब, बस सावधान, बस हो गए, बस हो गए, तो हो गया काम। तुम कहां हो, हम कहां हैं, हमें क्या मतलब इसे,
आए बैठे अपने पढ़े सुने चले। जिस प्रकार से प्रणाम की पद्धति है, हमें विचार आया ऐसी भगवान को अगर प्रणाम नहीं करते हो गए आप, हमारी बात तो बहुत दूर है। भगवान को ऐसे प्रणाम नहीं करते होंगे, नहीं तुमने देखा था बोलो ऐसे करते होंगे तो बता। घस घस सी से प्रणाम करे हैं, सेवा का अर्थ ये होता है पढ़ो निर्देश का, मानसिक संतोष प्रदान करना, निश्चिंत करना। कोई भी व्यक्ति अकेला शरीर नहीं है, शरीर की सेवा, शरीर से करने वाला जीव सेवक नहीं कहलाता। अब हो भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं, सेवक कैसे रहता होगा? सेवक की कोई अलग से इच्छा नहीं है, सेवक का समर्पण भाव है, सेवक की निगाह वहां है। कह क्या रहे, एक संस्कृत का कवि हुआ, उसने लिखा हमारे जीवन में दरिद्रता हो तो कोई बात नहीं, रोग हो तो कोई बात नहीं, इष्ट वियोग हो, अनिष्ट संयोग हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अरसिक को कविता सुनाने का मौका न मिले ये बहुत कष्ट की बात है। अरसिक को सुनाने का कुपात्र दान अपात्र दान सबसे बड़ा अपराध है। अच्छे स्कूल में भी एडमिशन छांट करके टेस्ट करके तब लेते हैं। बस ये कष्ट है, आप पूछ रहे तो क्या कष्ट है, ये है रोग। इनके बाद भी अपने उठे और चले अपने काम, बहुत दूर हो गए। क्यों हो गए, क्या दूरी हो गई, क्या हो गया, कोई उससे का तो कोई चिंतन ही नहीं है। ये दूरी मिटे कैसे, समझ में आए कैसे। दृष्टांत ये दे रहे थे जैसे गमन की योजना, गमन करते हैं तो बिना प्रयोजन के उठो चलो, कहां चले काहे चले चले। पहले ज्ञान चलता है, माने ज्ञान का विषय बनता है और ज्ञान का भी भाव भाषण अभिप्राय समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद पंडित टोटरमल जी ने दूसरी जगह भाव भाषण की महिमा लिखी, अगर एक सामान्य व्यक्ति भी हो उसे कार्य का भाव वासन हो तो बिना शब्द समझे अपनी ओर से शब्द कह देगा, बदल देगा, लेकिन कार्य सिद्ध कर लेगा। और भाव वासन नहीं है, रटी शब्द रटे हैं तो वो जाकर के वैसे ही वैसे ठोंक देगा। मोक्ष मार्ग में कंप्यूटरों का काम नहीं है, कंप्यूटराइज दिमाग नहीं चाहिए, भावना प्रधान मार्ग है। सोचने समझने की शक्ति, उसी का नाम तो जीव है। अगर सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो मशीन है। सांस रखा है, जी पतो नहीं है, सांस रखो क्या फायदा सांस रखने। एक पद्धति है, हम शास्त्र क्यों नहीं रखा दे, उसका कारण शास्त्र में से मंज तुम क्या देखोगे, पढ़ करके आओ। पहले शास्त्र का विषय घर पढ़ करके आओ, यहां सुनो एकाग्र होकर, बस इतनी ही बात है और कोई बात थोड़ी ना। कक्षा चलानी हो, वाचन करना हो, गाथा पढ़वानी हो तो शास्त्र रखना पड़ेगा। प्रयोजन पर दृष्टि, आंखें चलेंगी देखो, उसके बाद फिर पैर चलेंगे, मार्ग निरापद रूप से चला जाएगा। और बिना देखे वाले चलोगे, कहीं गड्ढे में गिरोगे, कहीं कांटे लगेंगे, कहीं टकराओगे, एक्सीडेंट दुर्घटना होगी। दृष्टि घटी दुर्घटना घटी, पैर हटा है दुर्घटना घटी, ये नहीं लिखा है। दृष्टि अब विवेक करने की बात यह है,
इस गाथा इस काव्य के अर्थ की चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। करने से पहले करने योग्य है कि नहीं, योग्य अयोग्य का विचार करना चाहिए। जकड़ी में तो मनुष्य का लक्षण ही ये लिख दिया, धर्म 25 ही है शायद, ध्यान नहीं है हमें। मनुष्य किसे कहते हैं? कपटहीन, जो बहाने नहीं बनाता, बहाने बनाता है वो मनुष्य नहीं हो सकता। हमारे बहुत दोष हैं, बहुत कमजोरी है, बहुत वो है, अरे कौन से हैं बताओ तो सही, देखो तो सही, लिखो तो सही, बहुत नहीं है बेटा, बहुत थोड़े हैं। दो चार बातें हैं जो हमारे जीवन को बिगाड़ रही हैं, दस दस बीस भी नहीं है, दो चार बातें, दस बीस पचास नहीं है, बहुत दोष हैं, बहुत कमी है, बहुत दो चार बातें केवल। कपटहीन, बहाने नहीं बनाता हो, छिपाव नहीं हो जिसके जीवन में, मनुष्य हुआ है जो छिपाता है हर बात को, मनुष्य नहीं हो सकता, मतलब आगे भव में मनुष्य नहीं होगा। जिन धर्म मिलना तो बहुत कठिन है, मनुष्य नहीं होगा जिसकी छिपाने की वृत्ति है, जिन्हें देख लें, जिन्हें जान लें, इन्हें पतो नहीं पड़ जा, चुपचाप कर ले, चुपचाप अपने खा ले। अरे रे प्रभु, नहीं, कपटहीन करुणा चितमान, करुणा चितमान, चित में करुणा भाव, दातार का भी लक्षण लिखा है, करुणा, दया, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, क्षमा, अलोलुपता, दया, करुणा चितमान। और आगे लिखा, हे उपाधे भूले ना, भक्तिवंत गुणवंत जो कोई सरल स्वभावी मानुष हो। बाद बाकी तो मनुष्य, एक जन एक बार सही घटना है, एक ने पूछा, बस आप कहते हो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, देखो करोड़ों तो मनुष्य है। हमने कहा मनुष्य करोड़ों में से कितने हैं? मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, बड़ी वेदना से लिखा है नीतिकार ने, मनुष्य के रूप में पशु चर रहे हैं। जिनके अंतर में विवेक नहीं है, करुणा नहीं है, सरलता नहीं है, घुमाव फिराव छिपाव की बातें कुतर्कें अपनी पक्ष पोषण के लिए निरंतर करते रहते हैं, स्वार्थी हैं, अभिमानी हैं, काय के मनुष्य हैं। शरीर मनुष्य का है लेकिन वास्तव में मनुष्य नहीं। मानी और ज्ञानी का यही तो अंतर है, ज्ञानी जिज्ञासु रहता है और मानी तो अपनी यहां करवाना चाहता है, पूछता भी है तो अपनी यहां कराने के लिए, पूछना थोड़े ही होगी, अपनी यहां कराना, अपनी सुनाना है, सुनना नहीं है। ये मानी का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण नहीं है। विचार करो तो विचार करने योग्य और विचार न करने योग्य का विचार करो, मतलब योग्य अयोग्य पहले निर्णय करो, उसके बाद विचारो। अगर तुम विचार कर रहे हो, बताओ ये आकर के ऐसी बैठ गया और ये ऐसा है, अरे ये कोई विचार करने लायक बात है? भगवान आत्मा साधर्मी भूला भगवान, क्या इधर से देखो, द्रव्य से, पर्याय से, कहीं से देखोगे सही, निश्चय से, व्यवहार से, कहीं से देखो, कसाय के लिए तो कहीं अवसर ही नहीं है। उसने कहा था ना, उत्साह ही जीवन है, आलस ही मरण है। सारी वाक्य लगा लेना, निर्भयता जीवन है, निशंकता जीवन है, भय ही मरण है, भयभीत निरंतर मरण है, भय में यही निकलता मर गया, हाय मरे, भय मरण है,
क्षमा जीवन है, सहनशीलता जीवन है, सरलता जीवन है, क्रोध मरण है, अभिमान मरण है, छल प्रपंच मरण है, निरंतर भयभीत है, निरंतर मरा है, भाव मरण। सच बात यह है समता जीवन है और ये विषमता या विकार ये मरण है, भाव मरण। विचार करने से पहले विचार करो ये आगम के अनुकूल है कि हमारी कल्पना हुआ है। अगर हमारी कल्पनाओं का है बंद कर दो। उल्टा विचार करने वाला जीव असंगी से भी अधिक पाप बांधता है। अपंग जो चलता नहीं है उससे भी ज्यादा खतरा उसको है जो विपरीत चलता है। न चलने वाला लक्ष्य से दूर तो नहीं होगा, विपरीत चलने वाला तो लक्ष्य से दूर हो जाएगा। इलाज नहीं करो कोई अगर दवाई समझ में नहीं आती खतरा कम है, विपरीत इलाज हो तो ज्यादा खतरा। समझ में नहीं आती कि गर्म खाए कि ठंडा, कछुरी तुम तो पानी पिए क्या छुट्टी हो जाए। समझ लो जो समझदार है उनकी सानिध्य में, लेकिन अगर विपरीत किया तो तुम ज्यादा खतरा में रहो। विपरीत विचार ये विचारने लायक बात है, यानी ऐसो करो तो, और ये ऐसो है ये कोई विचारने लायक बात है? किसने किया था, क्या किया था? जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है और अपने उदय के अनुसार है। भवितव्य और उदय का विचार करो तो समता आएगी, और अपनी कल्पना से इष्ट अनिष्ट का विचार करोगे तो कथाएं आएंगी, दुख आएगा, संसार होगा। ऐसे ही बोलने से पहले बोलने लायक है कि नहीं बोलने लायक, सब नियम सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे उसमें आया। जो पाप का उपदेश देते हैं, दूसरों को पाप का उपदेश देते हैं, वे बहुत बुद्धिमान होने पर भी तपस्वी नहीं है। वहां तो उपदेश देने की बात है, हमने विचार किया जो पाप की अनुमोदना भी करते हैं वे ज्ञानी धर्मात्मा नहीं हो सकते। जो पाप की माने हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुसील की, परिग्रह की, भोगों की, फैशन की, विलासिता की अनुमोदना भी करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हो सकते। धर्मात्मा पाप की अनुमोदना भी नहीं करे। अभी कोई गिर जाए, चोट लग जाए, तुमसे कहें खड़े हो, कहो बहुत अच्छा हुआ, अरे कह दो ना, ऐसे कह दें अच्छा हुआ, इसके तो बेचारे की चोट लग गई और आप कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ। पाप की अनुमोदना नहीं करना, भोगों की अनुमोदना नहीं हो सकती, परिग्रह की अनुमोदना नहीं। अनुमोदना करने योग्य है शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की आराधना रूप परिणाम ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदन करने योग्य है। वही करने योग्य है, वही उपदेश लायक है, वही अनुमोदना करने लायक है। जो करने लायक नहीं है वह कराने लायक भी नहीं है, वह अनुमोदना लायक भी नहीं है। बोलने से पहले बोलने लायक है कि नहीं ये सोचो, सुनने से पहले सुनने लायक है कि नहीं ये सोचो, खाने से पहले भक्षा भक्ष ये खाने लायक है कि नहीं, और इसका दूसरी भाषा में आया ये भोगने लायक है कि नहीं, एक शब्द हो गया। ये कर्म के फल भोगने लायक नहीं है। पाप के फलों को तो कोई भोगना नहीं चाहता, मजबूरी में भोगता है, हाय हाय करके भोगता, भोगता तो है ही लेकिन भोगना नहीं चाहता, मन से नहीं, जल्दी से हटाना चाहता, लेकिन उसमें द्वेष बुद्धि से जो दुखी होता है वह भी भोगना ही है। समझ में आया? पुण्य के उदय के भोगों में जो हर्षित होता है वह भी भोगना है,
और पाप के उदय के रोगों में जो दुखी होता है वह भी भोगना है। यानी धर्मात्मा पुण्य के उदय में भोगों में हर्षित भी नहीं होते और पाप के उदय के रोगों में दुखी भी नहीं होते। दुखी होना भी भोगना है। कहे भैया का बात, तछू नहीं भोग रहे भोगते रहे पराधीनता। अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, ये कर्म के फल भोगने लायक नहीं, ये शरीर भोगने लायक नहीं है, देख देख करके खुश होने लायक नहीं है, देख देख करके दुखी होने लायक नहीं है। छह खंड का वैभव पुण्य के उदय से मिला, उन धर्मात्माओं ने छोड़ा है, तीर्थंकरों ने छोड़ा है, भोगने लायक नहीं है, छोड़ने लायक। राचन योग स्वरूप न याको विरचन योग सही है। हाँ, अर्थ करना हिंदी का। राचन योग स्वरूप न याको विरचन योग सही है, थोड़ा अच्छा भाषा बोलना। ये भोग, ये शरीर रचने पचने लायक नहीं है, विरक्त होने लायक। रचने पचने लायक नहीं, रमने लायक नहीं, विरक्त होने लायक। ये सौंदर्य देखने लायक नहीं है, विरक्त होने लायक। बोलो जैन शतक में से, परती लख जे धरती निरखे, धन है धन है धन है नरती। पर कामन को मुख चंद चिते, मुद जाए सदा यह टेव गए। धन जीवन है उन जीवन को, धन मात उन्हें और माही बहे। अरे वो माता धन्य है जिसने उसको गर्भ में धारा, जन्म दिया। वह जन्मदात्री माता धन्य है, कौन की, शीलवान पुरुष की, सुदर्शन सेठ की माता धन्य है। धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है वह जन्मभूमि। ऐसी माता जन्मभूमि की माथे की रज लगाते थे, ऐसे तुम पैरों की रज नहीं लगा पाओगे जैसे वे जन्मभूमि की रज लगाए थे। अभी वर्तमान का ही दृष्टांत है, थोड़े दिन पहले का। पंडित फूलचंद जी गए जयपुर में, वाद विवाद होना था कुछ, पहले टोटरमल जी के मंदिर में पहुंचे और जिस गद्दी पर वे बैठ करके स्वाध्याय करते थे उस गद्दी को ऐसे लगाया, तब बैठे गुरुजनों के आसन पर नहीं बैठे। ये नहीं है खाली पड़ो तो मैं आग बैठ गए। बैठना हो तो क्या करे, पैर में थोड़ी सी तकलीफ हुई। एक मैं गांव का आदमी आया, बूढ़ा पुराना आदमी, लेट जाओ महाराज, ले। उसने पैर छुए, फिर एक तौलिया डाली, फिर उसने पैर रखा। बोले महाराज पैर रखने पर हो, तो पहले उसने पैर छुए, फिर तौलिया डाली, फिर उस पर पैर, उसको जो उसको हलाना डुलाना था उसको हलाना डुलाया, फिर वो महाराज अपराध क्षमा करना, फिर पैर छुए। ये बीमारी और रोग यही है कि ये हम सिखाना चाहते हो, जे सीखना नहीं चाहते। बस अगर ठीक करना हो तो ये संकल्प करो। जिन जिन को ये स्वास्थ्य की कामना है तो स्वास्थ्य की कामना ये है, योग्य व्यवहार सीख लेना चाहिए। देव के साथ, गुरु के साथ, दुखी के साथ, धर्म बड़े के साथ, छोटे के साथ,
आज तो सारी निर्देशिकाएं लिखी है, तुम्हारे लिए लिखी है, किसी और के लिए नहीं लिखी है। क्लास में दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं है, स्वयं अकेले में बैठ करके पढ़ने के। हमें कभी कभी याद आ जाता, टोटरमल जी के गुरु के बोलते थे अध्यापक, बेटा तुम्हें जो पढ़ाना चाहते सो तुम्हें पहले ही आता। और हमें भी कभी कभी यही लगता है, जो हम पढ़ाना चाहते सो तुम्हें पढ़ना नहीं है, और जो तुम्हें पढ़ाना चाहते उसको हमें पढ़ाने में उत्साह नहीं, वो तो तुम हमसे ज्यादा पढ़े हो। हम कहेंगे शरीर बिन्ना, तुम कहोगे एक समय की पर्याय बिन्ना। अब बता हम तुम्हें कब पढ़ाएंगे? हम कहेंगे एक कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तुम कहोगे निमित्त निमित्त संबंध भी नहीं है द्रव्य के साथ। एक कदम आगे हो। मैं कहो भैया ये दुर्विकल्प छोड़ो, तुम कहोगे मैं गया हूं ये भी विकल्प है। अब हम क्या पढ़ाए तुम? लेकिन इस पढ़ाई को, इतनी पढ़ाई होने पर भी जो चित्त में शांतता नहीं मिलती है, उसका कारण जो उसका योग्य व्यवहार है वो हमारे पास नहीं है पात्रता। बेटा दुखी हो, माँ अकेले कैसे प्रसन्न हो सकती है बोलो? और बेटा गंदी आदतों से मैं घिरा हुआ हो, माता जी का तुझे क्या मतलब, तू तो प्रसन्न रहे। कोई माँ प्रसन्न रह करके बोले? अगर वास्तव में ये अभिलाषा है तो एक कमर कस लीजिए। भाई डॉक्टर साहब कह रहे थे, बोले टीम है, सब स्थान है, टीम है, सब व्यवस्था है, लेकिन जरा वहां से हटो सो ही काम खत्म। याद है मुखिया चाहिए, संभाले कौन इसको? आपको आश्चर्य होगा, आपको आलस्य पने पर हमको दर्द आता है, 70 वर्ष की उम्र में सीखने गए इस प्राकृतिक चिकित्सा को। बच्चे चिढ़ाते बाबा 70 वर्ष की उम्र में सीखी हो। पंडित धन्नालाल जी ने 55 वर्ष की उम्र में संस्कृत की पाठशाला में व्याकरण वो संस्कृत सीखी। जब उन्हें प्रतिष्ठा पाठ का प्रतिष्ठा कराने के लिए मौका आया था, ठीक है हम सीखते। और 65-70 वर्ष की उम्र में हमने उन्हें प्रवेश का रटते हुए देखा हमारे सामने। हम तो बहुत छोटे थे शरीर के। और तो भैया बताइयो ने सिखा। आज किसी को कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो आ रहा है बहुत बढ़िया, तुम्हें सुनाना उसे और सुना दो प्लस कर लेंगे। गरज से सीखने समझने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पूछेंगे तो ऐसे अभिमान से पूछेंगे, ट्यून से पूछेंगे कि जैसे कि तुम्हारी गरज धिक्कार है। बिना भूख के भोजन कभी गुणकारी नहीं हो सकता। कितना सुंदर उपदेश हो लेकिन जिज्ञासा अगर नहीं है, पेट भरा है, हम तो ये सब जानते हैं, हम तो करते हैं, हम ठीक चल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, आपको कोई उपदेश से लाभ नहीं होगा, बल्कि विराजना का पाप लगेगा। केवल विराजना का पाप। जैसे बिना भूख का भोजन केवल रोग को उत्पन्न करेगा, स्वास्थ्य आपको उत्पन्न नहीं, बल नहीं देगा, ताकत नहीं देगा, रस नहीं बनेगा उसका, प्रसन्नता नहीं आएगी बिना भूख का भोजन। ऐसे ही बिना जिज्ञासा का, बिना विनय का उपदेश कार्यकारी नहीं है, धर्म क्रियाएं कार्यकारी नहीं है। सरलता ही जीवन है, सहजता ही जीवन है। कुटिलता और कृत्रिमता में घुटन होती है, जीवन नहीं है। आप किसी के घर जाओ और एकदम उपचारताओं का आपके पास ढेर लगा, और साहब जी लो, और साहब जी, और साहब जी, आप घुट जाओगे, सोचोगे निकलो यहां से। और एक सहजता से, भैया पानी ले लो, पानी का टाइम,
फलाना काम रहता, आओ जा आप आराम कर। कैसा लगेगा? घर जैसा। अरे हमारे होटलों में भी लिखने लगे घर जैसी, माने घर कोई अलग चीज होती है, झोपड़ी क्यों ना हो लेकिन घर घर है। जब वो लौकिक में घर घर है, घर की झोपड़ी भी महल, राजा के महल से ज्यादा सुखकारी होती है, तो अपना भी और महल भी हो फिर क्या पूछना। अपना चैतन्य महल है और अपना भी है। अब हम ये पढ़ेंगे, ये बातें ऐसे लई हव पढ़ी थी, दोहरा लेगी पढ़ी थी, देखी तो है नहीं पढ़ी थी, बस पढ़ रही थी, आज पढ़ लेंगे, बस पढ़ रही था, देखी तो है नहीं कुछ। ये कर्म के फल भोगने लायक नहीं है, बस है? आपको कोई ले जाए चलो नाश्ता कर लो बाजार में, अरे कुछ खाने लायक ही नहीं है। ऐसे ये पुण्य के भोग ये भोगने लायक नहीं है, रचो पचो मती, ये अध्रुव है, विनाशी के हैं, क्षणभंगुर हैं, इनका ना अभिमान करो ना दीनता करने की जरूरत है। रचो पचो मती मगन है, ठीक तो चल रही, ठीक तो है, ठीक तो हो रहा हो, सही तो है, अरे भी क्या करता है, क्या करता है, कुछ भी ठीक नहीं है। वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझावे राग बंद की दूर, तुमने समझा? हमें ये शरीर बिल्कुल पसंद नहीं आई, शुरुआत से नहीं आई, अनादिकाल से हमने आत्मा को नहीं आना। हम अकेले भी बैठे अगर कान में पड़ जाए तो हम यही बड़बड़ाएंगे, तो जान ले ना अब नहीं आना तो नहीं आना, क्या करने, वो समय गया, वो लौट के थोड़ी आया अनाधिकाल से, अब अवसर मिला है जान, तो कैसे जाने, अरे ऐसे जानो मैं आत्मा और कैसे जाना हो, पढ़ो सुनो विचारो देर भी, तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें, यही करते रहो जिंदगी भर। अमृतचंद स्वामी की व्याख्या तो देखो, एक एक पर्याय को, एक एक पर्याय को लिखा है। हे मति ज्ञान वर्ण कर्म के फल से होने वाला जो परिणाम है वह भोगने लायक नहीं है, इसका अर्थ बताया था, बोलना बोलना। दो अर्थ बता दे, यही छोड़ दिया था, इतना ही बता पाए थे। ज्ञानावरण कर्म के दो होते हैं, एक तो उदय और एक क्षय होता, तो जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतना ज्ञान का अभाव है। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, केवल ज्ञान नहीं है, अवध ज्ञानावरण नहीं है, कर्म का उदय है ना, अवध ज्ञान नहीं है। और जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षय उत्सम है उतना ज्ञान प्रकट है। अब भोगने लायक नहीं है क्या अर्थ है? जितना ज्ञान है उसका अभिमान मत करो, जितना नहीं है उसकी परवाह मत करो, दीनता मत करो, दीनता मत करो, पुरुषार्थ करो, वो ज्ञान होवे कैसे? आत्मज्ञान तो है नहीं, अरे ज्ञान तो है, भले आदमी और आत्मा है, जोड़ दे दोनों आत्मज्ञान हो गए। बच्चे ने कहा मां मीठे पुआ खाने, बोले मीठे पुआ तो है नहीं, किसी खेत में होते नहीं, पागल है, मां तो नहीं कहेगी। अरे जब मीठा भी है और आटा भी है, हो जाए मीठी पुआ बनी है, बोलो भाई आज तो मीठा शरबत पीना आ जाए, सिकंजी पीनी है, कैसे गंजी तो कहीं है नहीं, सिकंजी क्या हो, अरे पागल है, नींबू है, शक्कर है, नहीं पानी है, घोल दे, आत्मज्ञान तो है नहीं, आत्मज्ञान, अरे आत्मा है और ज्ञान है, जोड़ दे,
इस ज्ञान से मैं आत्मा हूं ये जान लिया, इसी का नाम आत्मज्ञान है। शास्त्र से सुनकर पढ़कर नहीं, बस सीधा सीधा ज्ञान से आत्मा को जान लिया, इसका नाम। को तर्क मत करना कभी, 25 वर्ष का लड़का विवाह वाले आए सगाई के लिए, लड़की वाले आकर के बैठ गए। तो लड़की के पिता बोले, बोले देखो 25 वर्ष तक विवाह नहीं हुआ, अब कैसे हो सका? अरे नहीं हुआ 25 वर्ष तक तो अभी 25 मिनट में हो जाएगा, हाँ करो तुम, बस हो गई सगाई। 25 वर्ष का कुंवारा पुना, अब बोलो कितने 25 वर्ष तो लगेंगे, 25 दिन तो लगेंगे, अरे काय को लगेंगे, हाँ करो तुम, काम खत्म। अनादिकाल का ज्ञान अनंत काल तो लगेगा, अरे हाँ करो, आज मिटेगा अभी। हमें अभावों का रोना बहुत बुरा लगता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। अरे जो है वहां प्रसन्नता से भोगो। लौकिक में भी हमने देखा है, आज सब्जी नहीं है, नहीं है तो कावाधार बनाए, आज क्या होता है वो दाल खत्म हो गई, घी नहीं है, नहीं है तो रहने दो कावाधार, नमक से रोटी खा ले, अब दाल में बस नमक पड़ गया, आज तो बात अर्थों पर ध्यान दे, दूध हो, दूध तो है नहीं, कोई बात नहीं, शक्कर लिया, शक्कर नहीं है, कोई बात नहीं, पानी तो लिया, खाई लो खींचो आई पानी पी लो, काम खत्म। ऐसे लोग कभी दुखी नहीं होते। पर द्रव्यों का अभाव है और अनादि से अनंत काल तक अभाव रहेगा, और उसके आश्रय से जो सुखी होना चाहते हैं वे कभी सुखी नहीं होते, और पर का अभाव जान करके अपने आनंद को जो वेदन करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते। देह छूट जाए तो अभी दुखी नहीं होते। लोगों को तो लगता है बीमार हो गए सब हमारा धर्म छूट गए, हम कहते हैं देह छूटने से भी धर्म नहीं छूटेगा। जैसे तुमने धर्म मान लिया था देहाश्रित क्रिया को, वो धर्म ही नहीं था, धर्म ही नहीं था वो, सच बात यह है। लेकिन स्वच्छंदता के लिए नहीं, खाने से पहले ये सोचो खाने लायक है कि नहीं, सुनने के लिए से पहले देखो ये सुनने लायक है कि नहीं। रास्ते चलते कोई डेक बज रहा है, खड़े हो गए, क्या कर रहे, क्या सुन रहे, काम देखो अपन, ये कोई सुनने लायक बात है, तुम क्या सुन रहे। कोई दुर्घटना घट गई, भीड़ मचाई, पुलिस आई, उन्हें गए, हटो यहां से, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं देख रहे, का तमाशा है सो देख रहे, हटो यहां से, अभी दो डंडे पड़ेंगे सो पता पड़ जाएगा देख रहे, हटो यहां से भीड़ हटाओ। अरे देखने का काम डॉक्टर का है, पुलिस का है, वो देखेगा उसकी व्यवस्था हो, तुम क्या देख रहे तमाशा। ऐसे इस विश्व में कुछ देखने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है भाई, करने लायक नहीं है, भोगने लायक नहीं है। एक अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगने लायक है, अपना आत्मा देखने लायक है, अनुभवने लायक। बहुत विनय से, बहुत विनय से, बहुत बहुत झुककर, बहुत झुककर, हाथ है आपके पास, यहां एक सिक्का पड़ा है, उठा नहीं सकते बिना झुके, बिना झुके आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन शरीर का झुकना झुकना नहीं है, अंतर के परिणाम का झुकना। जब तक ये परिणाम अंतर्मुखी नहीं होगा आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, स्वलक्ष्य नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा। इसलिए हमने अध्ययन कहा, स्वाध्याय नहीं कहा। अकेले में बैठ करके स्वयं को उसको चिंतन करोगे, विचार करोगे, तब व्यवहार स्वाध्याय कहलाएगा और उसका रिजल्ट आएगा, आपका जीवन खिल जाएगा। उलझन में पड़े थे, दाह ज्वर था, भयंकर पीड़ा हो रही थी, और जहां उन्होंने सुना चंदन महाराज घिस गया, चंदन कैसे घिस गया, आवाज तो वही नहीं कि हमने एक एक चूड़ी रखी थी सो आपकी बाग बंकी उतार दी, वो एक में कोई खटपट नहीं, कोई उदम नहीं, कोई उपद्रव नहीं, मैं भी तो एक ही हूं, शरीर तो भिन्न ही तो है,
और एकदम मुस्कान आ गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई, प्रसन्नता आ गई। अहम को खल सुदो, ये ज्ञान शुष्क नहीं होता, ये ज्ञान बहुत सरस है, आनंद आता है जीवन विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे।